मैथमेटिक्स आप लोगों ने आई होप डिस्कस की होगी और उसके क्वेश्चंस किए होंगे आप लोगों ने अच्छे से। उसी के आगे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चंस एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इसका आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। पहले जो क्वेश्चन लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में आप लोगों को प्रूव करना था ये वाला एचसीएफ इंटू एलसीएम लेकिन इस ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है छोटे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें क्या आप लोगों को केवल एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड आउट करना है डायरेक्टली। कैसे करेंगे देखते हैं, एग्जांपल जैसे मैं उसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करूं, छोटे नंबर से तो डायरेक्टली हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 12 का क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में 2 into 3, क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 and into 3 आप लोगों के पास में। 15 का क्या हो जाएगा आप लोगों का 2 into 3 into 5। 21 का क्या होगा 3 into 7, राइट है। उसके बाद में जैसे एचसीएफ की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 इसमें है और 3 इसमें, दैट मीन्स एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और एलसीएम क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से एलसीएम। देखिए LCM और SCF की बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, फिर बता रहा हूँ कि SCF और LCM में हम लोग डिस्कस करें तो जो है अपने पास में SCF और बाकी जो रह गया वो सब, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोगों के पास में 2 into 2 तो ये वाला। उसके बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा 3 सब में है तो 3 यहाँ और उसके बाद में 5 and 7, ये आप लोगों का टोटल क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 15 into 7 कितना हो गया 4 into 2 2 जा 4 5 3 जा 15 into 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो और कितना हो जाएगा ये 60 into 7 और 60 into 7 करेंगे तो 420। एलसीएम इसको क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिस्कस करें तो ये वाले क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए दिया हुआ है, जिन लोगों को ये पता है कि सारे प्राइम नंबर है उनको सबको पता है एचसीएफ डायरेक्टली वन आएगा, क्यों, क्योंकि एचसीएफ के लिए हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 का क्या हो जाएगा प्राइम नंबर है तो 1 into 17 और 23 का क्या हो जाएगा वो ये भी प्राइम नंबर है तो 1 into 23 और लास्ट 129 इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 into 29। देखिए कॉमन फैक्टर 1 कहा भी है प्राइम नंबर में आप लोगों को कि प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 और खुद नंबर 1 ही होता है केवल और केवल। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 1 और एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन सबका मल्टीप्लाई यानी कि 7 into 23 into 29। दैट मीन्स एक बात आप लोगों को यहाँ से नोट करनी है कि अगर कि जितने भी प्राइम नंबर्स है अगर सारे अलग अलग प्राइम नंबर्स है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लो, अगर मान के चले कि सर 7 मेरे पास में 31 और 41 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से एचसीएफ तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 और एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 31 into 41। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 में आप लोगों का। अब देखिए अगर फैक्टराइजेशन आप लोगों को नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 40 है तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 20 है, तो स्मॉल नंबर है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो 10, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और फिर से 5 का डिवाइड करेंगे तो 1, यानी फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 और into 5। 36 का डिवाइड फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से वही 36 का यहाँ से करेंगे तो 36 2 times 18 फिर से 2 times डिवाइड करेंगे 9 और ये 3 फिर से 3 times और ये 3 1 time यानी कि 2 into 2 into 3 into 3 लास्ट आप लोगों का 126 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 6 times और 3 times यहाँ से रहेगा और फिर से 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 21, 3 का डिवाइड करेंगे तो 7 times और 7 ये
वन टाइम कितना हो जाएगा 126 का 2 into 3 into 7 ये आप लोगों के पास में 2 3 6 6 आप लोगों का 21 और ये आप लोगों के पास में अब 126 आ गया। HCF के लिए क्या हो जाएगा HCF इक्वल्स टू आप लोगों का कॉमन नंबर 2 3 आप लोगों का कॉमन नंबर नहीं है तो HCF इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और HCF इक्वल्स टू वही HCF और बाकी बचा हुआ सब कुछ तो यहां से 2 into 2 into 2 और उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 टाइम और मैक्सिमम केसेस में 3 कितनी बार है 2 टाइम है तो यानी कि 3 into 3 और से into 5 और into 7 5 into 7 आप लोगों के लास्ट में ये 5 और into में 7 ये आप लोगों का ऐसे हो जाएगा। इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। ये स्मॉल क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं एक एक मार्क्स में सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में कि आप लोगों को 2 या 3 नंबर्स दे देते हैं उसके बाद में उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो आप लोगों को डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड करना। अगर लार्ज मतलब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन में मैंने जो लास्ट टाइम बताया था उस तरह से पावर्स लिख के और उस तरह से सोल्व करना होता है। फैक्टर्स जितने हुए फिर पावर्स लिखना होता है फिर अलग से एचसीएफ और फॉर एचसीएफ और फॉर एलसीएम के लिए आप लोगों को लिखना होता है। ये स्मॉल क्वेश्चंस अगर 1 मार्क्स के आते हैं तो इस तरह से आप लोगों को डिस्कस करना होता है और इसमें आप लोगों को ये प्रूफ नहीं करना है कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को ये प्रूफ करना होता है। क्वेश्चन इस तरह से है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 657 = 9 फाइंड एलसीएम ऑफ 306 and 657 दैट मींस दो नंबर्स आप लोगों को गिवन है कि 306 एंड 657 का एचसीएफ है जो 9 है तो आप लोगों को इसका एलसीएम फाइंड आउट करना था। वही हम लोगों को तो अप्लाई करना अपने वाला जो फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इजीगस टू क्या हो जाएगा ए इनटू बी ए और बी क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट मींस एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है तो एलसीएम हो जाएगा इनटू एचसीएफ क्या है 9 इक्वल्स टू ए आप लोगों का 306 into 657 यहाँ से एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है तो 9 कहाँ चला जाएगा इधर 306 into 657 अपॉन में 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 3 27 3 रिमाइंडर बचेगा 9 4 यानी 34 into 675 एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 34 into 657 मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई 657 और 34 को 657 इंटू में 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 3 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 कितना एचसीएफ आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में यहाँ से 2 2 3 3 8 दिस इज द एलसीएम ऑफ दी टू नंबर्स यानी आप लोगों को क्या गिवन था एचसीएफ गिवन था 306 का और 657 का 9 आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना था तो कितना आ गया 2 2 3 और 3 3 8 2 2 3 8 आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 0 में एंड होना चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n दैट मींस इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो इसके लास्ट का डिजिट क्या चेक करके बताना है कि क्या 0 आ सकता है क्या। एक तो जनरली हम लोग अगर वर्बली चेक करें तो ऐसा रख सकते हैं कि भाई 6 टू की पावर 0 हम लोग पुट करें क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है तो 6 टू की पावर 1 पुट करें 6 टू की पावर 2 और 6 की पावर 3 6 की पावर 4 दैट मींस सो ऑन ऐसे हम लोग पुट करते जाएंगे तो चेक कर सकते हैं। ये तो वर्बली हम लोग चेक कर सकते हैं 6 टू पावर 1 6 36 और 2 1 6 ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। दैट मींस ये हुआ कि हम लोगों के पास में इसका कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा कितनी भी पावर्स रखें कि जो लास्ट का डिजिट क्या है एंड किससे होता है वो 0 से एंड होता है। क्यों नहीं होता एक हम लोगों के पास में आएगा अभी आगे आएंगे
फैक्टराइजेशन में कि अगर मान के चले कि किसी की पावर्स में अगर कितनी भी हो तो वो जीरो से एंड कब होता है, जब उसका फैक्टराइजेशन 2 × 5 के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? 2 × 5 के फॉर्म में होगा, तभी आप लोगों के पास में जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी का एंड जीरो से होता है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई डिजिट जीरो से एंड होता है, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आती है वो जीरो आती है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या जरूरी है? कि 2 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल हो। और 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने के लिए जरूरी है कि उस नंबर का जो फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में आना चाहिए आप लोगों के पास में? 2 × 5 के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन आप लोगों के पास में ना, तो यहाँ पे अगर मैं 6 का फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 6 = क्या होता है? 2 × 3। दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 तो है मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में क्या नहीं है? 3 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है कभी भी जीरो नहीं आ सकता, कैन बी जीरो। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टराइजेशन है वो 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है। ऐसा आएगा भी अभी नेक्स्ट जो हम लोग इसका डेसिमल एक्सपांशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी का फैक्टर जो है वो 2 × 5 के फॉर्म में होता है तो वहाँ पे क्या होता है? एंड क्या होता है? जीरो से एंड होता है कोई भी डिजिट। इसलिए ये कभी भी इसका जो लास्ट का डिजिट है, एंड जो डिजिट है, वो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। दो नंबर है, देखिए भाई यहाँ पे आप लोगों के पास में, एक तो नंबर जो है वो है 7 × 11 × 13 + 13, ये है, और दूसरा जो नंबर है वो है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दीज आर द कंपोजिट नंबर। ये आप लोगों को बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है और क्यों है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी लेक्चर में पहले, पिछले वालों में, कि कंपोजिट नंबर तो क्या होते हैं? जिनका वन या जो नंबर होता है उससे ज्यादा क्या हो, फैक्टर्स हो, कंपोजिट नंबर होता है। और प्राइम नंबर जिनका केवल वन और खुद नंबर जो है वो फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ कंपोजिट नंबर हम लोगों को अगर इनको करना है प्रूफ, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका 2 या ज्यादा हम लोग फैक्टराइजेशन अगर शो कर दे फैक्टर इसके, तो कह सकते हैं कि ये क्या है? प्राइम नंबर। नाउ फैक्टराइजेशन करने से पहले हम लोग इसमें कैलकुलेशन करें तो क्या होगा? यहाँ से 13 और 13 देखिए कॉमन ले अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये वाला नंबर आप लोगों का? 13 कॉमन लेंगे तो 7 × 11 और प्लस 1 यहाँ रिमाइंडर रह जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? 13 × 77 और प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा? 13 × 78। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 × 13 और इंटू में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? 6। दैट मीन्स इसके कितने फैक्टर हो गए आप लोगों के पास में? 13 हो गया एक तो, और एक आप लोगों के पास में 6 हो गया। और 6 को भी और आगे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग, 13 × 13 × 2 × 3। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्राइम नंबर नहीं होगी, क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। बिकॉज कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में ये डिफरेंस है कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो वन, केवल वन और खुद नंबर फैक्टर्स होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर के आप लोगों के पास में क्या होते हैं? 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स उसके पास में हो सकते हैं जो आप लोगों के पास में अवेलेबल है इसमें। तो इसका मतलब दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से? और इसमें से 5 कॉमन आ सकता है। 5 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा आप लोगों के पास में? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आप लोगों के पास। यहाँ से क्या हो जाएगा ये? नेक्स्ट 5 × इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 42। और इंटू में क्या हो जाएगा? 36 और प्लस 1। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये एक नंबर होगा आप लोगों के पास में और ये एक नंबर होगा। इसका ज्यादा फैक्टर हो या नहीं हो, लेकिन 2 फैक्टर तो है। कौन सा? क्योंकि एक तो ये 5 का मल्टीपल है और दूसरा एक ही खुद नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि या तो 2 फैक्टर्स होंगे या फिर ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो इसलिए क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं होगी। कौन सा हो गया? कंपोजिट नंबर। सो इट इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, शॉर्ट में आप लोगों को क्वेश्चन लिखा है
कि एक जो है सोनिया है और एक रवि है, एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से, और इस सर्कुलर पाथ में क्या होता है, यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं और यहाँ ये एक सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन है और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे और सेम डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, डायरेक्शन ये वाली मान के चले। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट का टाइम लेती है और जो रवि है वो कितना टाइम लेता है, वो 12 मिनट का टाइम लेता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि दोनों कितने राउंड्स के बाद में या कितनी मिनट्स के बाद में दोनों आके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो हम लोग अगर स्टार्ट करें यहाँ बात करें तो सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करेगी जैसे ही, और एक राउंड में कितना टाइम लग जाएगा आप लोगों के पास में, 18 मिनट लग जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा, 18 मिनट लग जाएगी सोनिया जो है वो, 18 मिनट का टाइम लेगी हम लोगों के। फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी 18 में जाके वापस से सेकंड राउंड पे जाएगी तो 18 और लग जाएगी। टोटल 2 राउंड्स में कितने हो गए, 36 मिनट्स हो जाएगी। कितने राउंड्स में, 2 राउंड्स में। नाउ अगर हम लोग रवि की बात करें तो एक राउंड कंप्लीट करता है, कितनी हो गई आप लोगों के पास में, 12 मिनट्स। वापस से एक राउंड और करेगा तो 12 मिनट्स, यानी 12 प्लस सेकंड राउंड में 12 प्लस सेकंड थर्ड राउंड में 12, ओवरऑल कितने हो गए, 36 मिनट। यानी रवि भी 36 मिनट में कितने राउंड, लेकिन राउंड ये 3 राउंड्स कर देगा कंप्लीट। कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। किसके केस में, रवि के केस में। राउंड्स का यहाँ इशू नहीं है आप लोगों के पास में, हमें तो मतलब किससे है कि दोनों कितनी कितनी मिनट लेते हैं और कितने समय में। दैट मीन्स ये हो गया कि 36 मिनट के बाद में आके वो वापस मिल जाते। अब ये 36 क्या है भाई, 36 आप लोगों के कुछ नहीं है, 18 का और 12 का एलसीएम है। दैट मीन्स ये हुआ कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे है ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। अब 18 और इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो सोनिया के कितने मिनट मिलती है, 18 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 3 × 3, और अगर रवि 12 मिनट लेते हैं उसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 × 3। अब यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, ये कितना हो गया, 4 × 9, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 36 एलसीएम हो गया। यानी कि 36 मिनट के बाद में वो दोनों आके सेमी पॉइंट पे वापस से मिल जाएंगे, उसी पॉइंट से जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है। वो अलग बात है कि सोनिया जो 36 मिनट में ओनली 2 राउंड ही कंप्लीट कर पाएगी, जबकि रवि है 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा। यानी कि उस पॉइंट पे वापस तो आ जाएंगे लेकिन राउंड्स का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे राउंड्स के डिफरेंस के लिए नहीं बोला उसको, कितने भी राउंड्स चाहे वो 2 करे 3 करे, उन्होंने तो ये पूछा है कि कितने मिनट के बाद में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे आर मीट एट पॉइंट सेम पॉइंट, तो कितने मिनट्स के बाद में वो आके मिल जाएंगे। तो वो मिनट्स आप लोगों को बतानी है, वो मिनट्स क्या है इन दोनों की, एलसीएम आप लोगों को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये हुआ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई की बुक में नहीं है लेकिन आरबीएसई की एक बुक में है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला लास्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पे बेसिस लास्ट क्वेश्चन बचा है जो इस तरह से होगा। देखिए आप लोग जरा आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक सेमिनार है जिसमें पार्टिसिपेंट्स है, हिंदी जो लैंग्वेज है उसके पार्टिसिपेंट जो है वो 60 है और इंग्लिश के हैं 84 और मैथमेटिक्स के 108। इनको एक अलग अलग रूम्स में रखना है और आप लोगों को इनके रखने की रहने की व्यवस्था ही करनी है। किस तरह से करनी है, अरेंजमेंट्स की जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो क्या होने चाहिए, हर एक रूम में क्या होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए एक तो, और दूसरा आप लोगों के क्या होना चाहिए, सेम नंबर में होने चाहिए। दैट मीन्स अगर मान के चले कि पहला जो रूम है उसमें अगर 8 स्टूडेंट्स या 8 पार्टिसिपेंट रखते हैं तो सब भी रूम में क्या आने चाहिए, 8-8 आने चाहिए। दूसरा अगर 8 जो ये पार्टिसिपेंट्स है ये अगर हिंदी के हैं तो केवल और केवल हिंदी के ही आने चाहिए। ऐसे नेक्स्ट जो रूम होगा उसमें भी फिर 8 होना चाहिए, और हो सकता है जैसे हिंदी के है या तो या मैथमेटिक्स है तो केवल और केवल मैथमेटिक्स के इसमें 8 होना चाहिए। ये आप लोगों का इसमें अरेंजमेंट्स इस तरह से करना। इस तरह के अरेंजमेंट्स के लिए जरूरी है कि भाई दो चीजें, एक तो सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट का मतलब है कि, और एक है कि लिस्ट रूम्स आर रिक्वायर्ड। लिस्ट रूम्स का मतलब होता है
जैसे आप लोगों के पास में लिस्ट कॉमन फैक्टर था ना, वही लिस्ट रूम्स आर रिक्वायर्ड, तो लिस्ट रूम्स आर रिक्वायर्ड का मतलब है कि एस सी एफ, किस किस का एस सी एफ, जो आप लोगों के पार्टिसिपेंट्स है उनका एस सी एफ, तभी तो सेम सब्जेक्ट आ जाएगी। सेम यानी कि सब वही लिस्ट कॉमन, और आप लिस्ट का यानी सबसे कम रूम, और कॉमन आप लोगों का जो रहेगा वो एस सी एफ में इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इसके फैक्टराइजेशन करें तो हिंदी वालों के लिए फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5। और अगर मैं मैथमेटिक्स इंग्लिश के लिए फैक्टराइजेशन करता हूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 84 का फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में 2 × 2 × 3 × 7। और फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो उसका 108 है पार्टिसिपेंट्स, और इनका फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 108 का आप लोगों के पास में सिंपली 2 का डिवाइड करेंगे तो 5, 4, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और 3 1 कितना हो जाएगा ये 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये आप लोगों का फैक्टराइजेशन हो गया। एस सी एफ कितना हो जाएगा इनका, एस सी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 2 × 3, ये और ये वाला और ये 3 कॉमन फैक्टर्स है ये सारे, तो एस सी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 12, 12 इज द एस सी एफ ऑफ 60, 84 और 108। सो रिक्वायर्ड रूम कितने हो जाएंगे आप लोगों के पास में, दैट मीन्स ये हुआ कि भाई ईच रूम में आप लोगों को 12 स्टूडेंट्स रखने हैं, सभी रूम्स में कितने स्टूडेंट्स रखने हैं 12। तो हिंदी के लिए कितने पार्ट रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों के पास में, हिंदी के लिए हो जाएगी आप लोगों के पास में 60 तो पार्टिसिपेंट्स है और एक रूम में 12 है, तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी आप लोगों के पास में, 5 रूम्स। कितने हो जाएंगे 5 रूम्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो कितने हो जाएंगे 84 पार्टिसिपेंट्स है, और अगर एक रूम में 12 आता है तो कितना हो जाएगा 7 रूम्स आप लोगों के लिए। और मैथमेटिक्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे आप लोगों का 108 पार्टिसिपेंट्स है, 12 पार्टिसिपेंट्स अगर एक इस रूम में आते हैं तो कितना हो जाएगा 9 रूम्स रिक्वायर्ड होंगे आप लोगों को इसमें। तो टोटल रूम्स कितने हो जाएंगे, टोटल रूम्स होंगे 5 + 7 + 9, टोटल रूम्स आप लोगों के हो गए 21। यानी कि इससे जो सेमिनार है इसको अरेंज करने के लिए जो पार्टिसिपेंट्स आप लोगों के पास में आए हैं उन पार्टिसिपेंट्स का रहने के अरेंजमेंट्स के लिए टोटल आप लोगों को कितने रूम्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, 21 रूम्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और कंडीशंस क्या रहेगी कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए और सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। दैट मीन्स कुल मिला के इन क्वेश्चंस में आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हुआ इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो एलसीएम का क्वेश्चन था कि वो सर्कुलर पाथ में करके हम लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना। दैट मीन्स डायरेक्टली आप लोगों को एलसीएम और एससीएम के क्वेश्चन नहीं देखे, हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि वर्ड प्रॉब्लम दे दे उसमें आप लोगों को एससीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करें। उसके अलावा आप लोगों के मिसलिनियस क्वेश्चंस है आरबीएससी में, और ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है सीबीएसई में, वो आप लोग डिस्कस करें। उसके जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डाउट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिनोन की पूरी टीम आप लोगों के लिए वर्क कर रही है कि आप लोगों के लॉकडाउन में आप लोगों की स्टडी है वो डिस्टर्ब नहीं हो और आप कंटिन्यूसली स्टडी करते रहें, इसलिए आप लोग कंटिन्यूसली देखते रहें और आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज मिलती है उसको आप लोग धीरे धीरे सोल्व करते रहें। थैंक यू गाइस, शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।